व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं कीटो के लिए आपके लिए बनाने जा रहा हूं मटन, क्योंकि मटन की डिश की बीफ से ज़्यादा डिमांड होती है। इसके लिए मैंने कुट का गोश्त लिया, ठीक है, वो मैं मिट्टी की हांडी में पकाऊंगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी की अफादियत जो है वो आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। और ये कीटो है क्योंकि मैं ये जो है ना देसी बकरे का गोश्त लाया हूँ, ठीक है, और वो चर्बी वाला भी है। उससे ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा चर्बी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। और मिट्टी की हांडी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकलता है। मैं 2 किलो गोश्त ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा हर्ब या एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगा। ये इस चर्बी वाला गोश्त है, इसलिए इसमें आपको ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं, ये इसी की चर्बी में तैयार हो जाएगा। इसमें मैं डालूंगा 1 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट, ठीक है, उसके अलावा मैं डालूंगा काली मिर्च का 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैं डालूंगा इसमें हल्दी का। ये मिट्टी की देगची में जो है ना इसका पानी भी जज़ब हो जाता है, और ये ज़्यादा पानी आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो इसमें आप 1 गिलास या 1/2 गिलास के करीब आप इसमें पानी ऐड कर लें। इसमें मैं 1/2 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेता हूं, और इसके बाद इसको आपने 5 से 6 घंटे के लिए ढक्कन को बंद करके, आपने ये भी मिट्टी का ही ढक्कन है तो इसको बंद करके आपने 5 से 6 घंटे के लिए इसको आपने छोड़ देना है, और उसके बाद हम खोल के देखते हैं कि क्या बना। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए और ये अपनी ही स्टीम में पका, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली गई। अगर आपको स्मेल का इशू हो तो आप इसमें 1-2 इलायची डाल सकते हैं, वरना जो है इसमें स्मेल का बिल्कुल इशू नहीं है अगर आपको लगे, ठीक है, क्योंकि मैं मटन देख के लाता हूँ जो बहुत सॉफ्ट हो और बहुत साफ मटन हो, ठीक है। ये इसकी अपनी ही चर्बी है जो कि कीटोजेनिक डाइट है, ठीक है। ये मैं आप प्लेट में आपको सर्व कर रहा हूँ। तो ये हमारा मज़ेदार पुट का जो है ना नमकीन मटन तैयार है, और इसको आप कीटो डाइट में खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और कीटोजेनिक डाइट से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो उसके मुतल्लिक आप कमेंट्स में हमें बताएं, हम उसका आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।